मगध के बलवान सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देख रहे आप हमें वैशाली से यहां लाए। वैशाली से पराजय के पश्चात सेना का मनोबल गिर चुका था। मुझे लगा आपको देखकर विजय की पिपाशा इनके मन में पुनः जाग उठेगी, पर ये तो विपरीत हो गए। महाराज, इस आपातकाल में हमारे पराजित सैनिक बुद्ध और उनके भिक्षुओं से प्रभावित हो रहे हैं। अब वो शौर्य गाथा नहीं अहिंसा के गीत गाने लगे हैं। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, और यदि हमारे सैनिक अपने धर्म से विमुख हुए तो मगध कभी वैशाली पर अपना ध्वज नहीं फहरा पाएगा, और मेरा चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने अपने पिता महाराज बिंबिसार तक को नहीं छोड़ा। महाराज बिंबिसार को भी बुद्ध ने ही पथ भ्रष्ट किया था, तब भी मैंने आपको चिताया था। बुद्ध नाम की आंधी एक दिन समूचे मगध को तहस नहस कर देगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, इस धरती पर आधिपत्य तो बनेगा, परंतु आपके मगध के हृदय में केवल राज करेगा बुद्ध। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। मगध के जन जन ने हमारे धर्म को छोड़कर बुद्ध के मुक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लिया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे कई ब्राह्मण भिक्षु बन चुके हैं, हमारा धर्म संकट में है, समूचा मगध खंडित हो रहा है। वो बुद्ध जो शांति की मूर्ति बनकर बैठा है, इस विध्वंस का रचयिता है वो। मैं उस बुद्ध का शीश काट मगध की दीवार पे लटका दूंगा। यदि आपने बुद्ध को मारा तो समूचा मगध आपका शत्रु हो जाएगा, हर दिशा में आपके विरुद्ध आवाज उठने लगेगी। मगध के छोटे छोटे राज्य आपके विरुद्ध सर उठाने लगेंगे, और चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना आपका सदा सदा के लिए चूर हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, पर बुद्ध को मैं ही मारूंगा। नहीं महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। वो बुद्ध लोगों की आंखों के सामने भगवान बन जाएगा, और आप एक राक्षस। मैं अजात शत्रु एक सन्यासी से हार जाऊं, मुझे मार नहीं सकता। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका वध होगा, अवश्य होगा, वो भी आप करेंगे, परंतु इस तलवार से नहीं। तो फिर कैसे? जिस जनता की आंखों में वो भगवान बन गया है, उसी जनता की आंखों से गिराकर उस बुद्ध पे कलंक की ऐसी कालिक पोती है कि वो जंगल चला जाए, फिर कभी वापस लौट कर ना आए। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये विरोध की आग तो हम आज ही लगा सकते हैं। नहीं, यदि एक भी उंगली हमारी ओर उठी तो मगध की जनता हमें क्षमा नहीं करेगी। अच्छा होगा बुद्ध के संघ के भीतर हमारा ही कोई व्यक्ति इस कार्य को करे। घर का भेदी घर को आग लगाता है, और ऐसा एक व्यक्ति है जिसने इस कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना दिया है। बुद्ध का अपना भाई देवदत्त। आओ मित्र, जो अपने वचन से पलट जाए मैं उसे अपना मित्र नहीं मानता। यदि मेरी याद आई है तो इस
इसमें भी अवश्य तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ होगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हें दिया वचन मैं पूरा न कर सका। अंतिम बार जब हम मिले थे तो वैशाली पर विजय पताका फहराने का मेरा भूत सर पे सवार था। भूत तुम्हारे सर पे सवार था और उसका मूल्य चुकाया मैंने। कपिलवस्तु का सिंहासन सदा के लिए मुझसे छीन गया। मित्र, जैसे ही मगध की सेना वैशाली से पराजय के दुख से उभरेगी, हम कपिलवस्तु का राज सिंहासन दिलाने तुम्हें अवश्य आएंगे। कोई आवश्यकता नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने वचन से पलट जाए, देवदत्त उससे दोबारा सहायता कभी नहीं देता। सहायता लोगे नहीं तो सहायता दोगे तो, और वो भी तब जब हम दोनों का शत्रु एक ही है, गौतम बुद्ध। राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण मैं उसे मार नहीं सकता। यदि किसी ने सिद्धार्थ को हाथ भी लगाया तो उससे प्रतिशोध मैं लूंगा। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, सिद्धार्थ की हत्या। वो होगी और मेरे ही हाथों होगी। उचित भी है। सिद्धार्थ का वध तुम ही करो, और उसका वध कैसे करना है इसकी योजना हमारे पास है। बस सिद्धार्थ से अपना प्रतिशोध मैं लूंगा, और वो भी अपने तरीके से। उसके लिए किसी अजात शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, इस देवदत्त को तो हम अपना मोरा बनाकर खेलना चाहते थे। फिर चिंता कैसी, वो भले ही हमारा साथ न दे पर कार्य तो हमारा ही करेगा। यशोधरा, यशो, यशोधरा, यशो, यशो, यार, देव, देव, ये क्या पागलपन है देव? पूरे महल को तूने क्यों सिर पे उठा रखा है? पूरे महल में खोज लिया मैंने, यशोधरा कहीं दिखाई नहीं दी। यशो, तुझे महल में तो क्या, पूरे कपिल वस्तु में नहीं दिखेगी। कहाँ गई यशोधरा? नहीं बताऊंगी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। मैं जानता हूं तुझे पता है यशोधरा कहाँ है, बता दे मुझे। हाँ, मैं जानती हूं, और मैं तुझ जैसे पापी को कभी भी नहीं बताऊंगी। बता दे माँ, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूं। बता दे माँ। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो तेरे बचपन में करना चाहिए था। तेरी उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि तूने अपनी माँ पे हाथ उठाया। उठाना पड़ा। जानते हुए भी ये बताने रही है कि यशोधरा कहाँ है, तू जानती नहीं माँ। यशोधरा के लिए मैं पूरे कपिल वस्तु को जला के खाक कर सकता हूं। खाक। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, यशोधरा को मैं पाताल से भी डाल निकालूंगा। तेरा पागलपन इतना बढ़ गया है। मैं पागल हूं। मैं पागल हूं। ये यशोधरा के लिए मैं पागल हूं। आखिरी बार कह रहा हूं, आखिरी बार, ध्यान से सुनो। यशोधरा को मुझसे कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं छुपा सकता। और सिद्धार्थ को,
सिद्धार्थ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। देवदत्त, अरे अरे क्या हो गया? कोई है? राज को बुलाओ, क्या हो गया आपको? नहीं मैं वैद्य नहीं, अब तक चिता की अग्नि में मुझे शांति मिलेगी। आप क्या कह रहे? ऐसा मत कहिए, आज ऐसा मत कहिए। जीवन जीने का क्या अर्थ? मतलब चाहे पुत्र अपने माता पिता पे हाथ उठा, हमसे अधिक और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। मंगला, हमारे तुम्हारे पुराने कर्मों का दंड है यारे। केवल एक ही चिंता कि हमारी यश सुरक्षित पहुंचे। हाँ, चिंता ना करें, यशो सुरक्षित पहुंचेगी प्रजापति के अच्छे कर्मों के कारण, उसके करुणा के कारण हमारी यशो सुरक्षित पहुंचेगी। आप चिंता ना करें, आप बस ठीक हो जाइए। माँ, यदि इन्होंने मुझे भिक्षुणी की भिक्षा नहीं दी तो? यशो, जो विश्वास तुझे कपिल वस्तु से यहां तक लाया है, उस विश्वास पर विश्वास रख। अपने अश्रु पहुंच लो यशोधरा। आपके देश को देखकर आंखें भर आई। ये पुष्प स्वीकार कीजिए। ये पुष्प मुझे कौन दे रहा है? यशोधरा? अभी तो यशोधरा दे रही है, यदि आप चाहें तो एक भिक्षुणी की भेंट हो सकती है। मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा ले तुम्हें परम शांति तभी उपलब्ध होगी जब तुम भूतकाल से विमुख होगी, सिद्धार्थ से विरक्त होगी। यहां तुम्हें सिद्धार्थ नहीं मिलेगा। जिसके दर्शन पा मन को शांति मिले उसे भगवान कहते हैं, और जिस पावन स्थान पर जाकर शीश स्वयं झुक जाए उसे तीर्थ स्थान कहते हैं, और जिस मनुष्य को देखकर परमात्मा का स्मरण हो उसे बुद्ध कहते हैं। हे बुद्ध, आपकी साधना का मार्ग मैंने स्वयं चुन यह निर्णय लिया है। भूतकाल स्वप्न था, मेरा यथार्थ आज है, ये क्षण है। आपकी करुणा के उदाहरण ने मुझे बदल दिया। करुणा के द्वारा ही किसी भी जीव की पीड़ा समझी जा सकती है, उसके दुखों को दूर किया जा सकता है। तुम्हारे विचार उत्तम है। विचार जब तक कर्म ना बने उनका कोई अर्थ नहीं है, ये आप ही के वचन है। आपने ये भी कहा था कि कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लो
कह लो, किंतु वो जब तक आपके कृत्य में ना हो तब तक उनका कोई लाभ नहीं। तुम्हें दीक्षा मिलेगी। एक अंतिम इच्छा है, यदि आप पूर्ण करें तो मुझे दीक्षा आप दें। आप इन्हें दीक्षा के लिए तैयार करें, मैं स्वयं इन्हें दीक्षा दूंगा। संभाल के प्रकृति, तो वो वही भिक्षु है ना जिसे देखने के लिए तो यहाँ इतनी दूर तक पानी भरने आती है। पर प्रकृति, उस भिक्षु के प्रेम ने देख तेरी क्या हालत कर दी है। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं, उनका नाम आनंद है। प्रकृति, तेरे आनंद यहीं आ रहे हैं। कृपया मुझे पानी पिलाएंगी? जी। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? मैं नीची जाति की हूँ, मेरे हाथ का पानी अशुद्ध है। मैंने आपसे पानी मांगा, वर्ण या जाति नहीं पूछी। हम भिक्षु वर्ण का तिरस्कार करते हैं, हमारे शाक्यमुनि बुद्ध केवल मानवता और करुणा को मानते हैं। क्या ये संभव है? शाक्यमुनि का मार्ग सरल है, ना ही मंदिर और ना ही दर्शन, हमारी बुद्धि और मन ही हमारा मंदिर है और करुणा ही दर्शन। खड़ी रह के निहारती रहेगी या जाके उससे बात भी करेगी? पर क्या बात करूं? बुद्धू, जाके उसे भोजन के लिए आमंत्रित कर। जा। सुनिए। यदि आप वर्ण नहीं मानते तो क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? ठीक है, आज तुम्हारे घर से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। दाल? चले जाएंगे? हाँ। आपने मुक्ति के बारे में कहा, प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? सब जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, भेदभाव प्रकृति ने नहीं मानव ने बनाए हैं। प्रेम ही वो नदी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहती है और उन्हें जोड़ती है। कब से देख रही हूं तुझे, उस भिक्षु से लगाव तो नहीं हो गया ना? माँ, तुम्हें मेरे विवाह की बहुत चिंता रहती है ना, मैंने अपना वर चुन लिया है, मैं आनंद से ही विवाह करूंगी। महावरी हो गई है तू? वो भिक्षु है, उसने संसार त्याग दिया है। तो क्या हुआ,
पुनः सांसारिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है माँ, ये संभव है। तुम जादू टोना जानती हो ना, ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वो मेरा हो जाए। ऐसा ना कर सको तो मेरा मरा मुंह देखो। भगत, ये तो क्या कह रही है? ठीक है, तू ऐसा कर, उसे एक बार भोजन पे फिर बुला, मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना, और फिर जो मैं कहूं वही करना, और फिर देखना बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाएगा। या भगवती भिक्षाम देहि। बुद्ध, बुद्ध, जल्दी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अहिंसक को लोग मार रहे हैं। मारो इसे, मारो, 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 मारो इसे, मारो, 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 उंगली मार। अपने आप को भिक्षु का चोला पहन के भिक्षु समझता है, मारो जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। बुद्ध, क्यों इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हो? कितने लोगों की जाने ली है इसने? अब यह अंगुलीमाल नहीं, इसका नाम अहिंसक है। आप ही की तरह एक मानव। ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। सही बात, सही बात। ये बदल चुका है, बस आप सब इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये अंगुली माल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि आप इसे एक उंगली भी लगा सकते? ये आपका वार खाता रहा, क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा, अपने सारे बुरे कृत्यों को धो डाला, आपके प्रत्येक वार को प्रेम से स्वीकार किया, परंतु अपने मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना को नहीं जागने दिया। ये तो बदल गया, अब आपका पतलोक है। ये परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है बुद्ध। आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता करे? ये इस भिक्षु ने किया है। पिछले सप्ताह एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी, मैं भी दौड़ी दौड़ी गई थी। बस, बस पुत्री, थोड़ी देर और, तुम साहस मत छोड़ना। बस थोड़ा सबर कर। ये कैसे चित? हे प्रभु, इस धन्यवाद में कौन हमारी सहायता करेगा? क्या हुआ बहन? इस स्त्री को प्रसव पीड़ा उठी और इस घने वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं स्वयं अपने गुरु के पास जाऊंगा, तो अवश्य मार्ग बताएंगे। शीघ्र ही आइए। व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आए और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। शक्यमणि, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में उन्हें कुछ हो गया तो आप ही कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं उन दोनों की रक्षा कर चुका। दौड़ के जाओ और उससे कहो, बहन,
जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। ये तो झूठ होगा प्रभु। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु तुरंत ही प्राण त्याग देंगे। तो तुरंत जाओ और स्त्री से कहो कि जिस दिन से मेरा धर्म में पुनर्जन्म हुआ है उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। मेरे निम्न सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? अवश्य। ये तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो इसे तुम स्वयं के लिए बचा के रखो या किसी पराए के लिए त्याग कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराए पर न्योछावर करने के लिए अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा। धीरज, हे भगवान, सहायता करो हमारी। थोड़ी देर और बच्चा, बस पुत्री। बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना उसके पश्चात मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिसे कोई प्राणी को हानि पहुंचे या कोई कष्ट पहुंचे। मेरे सत्य कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आप दोनों की रक्षा करें। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को क्या दुख दे सकता है? यदि ये मन का सच्चा ना होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। इन्हें मत रोकिए बुद्ध, मारने दीजिए। अब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को पूर्ण रूप से जिया है। बुद्ध सत्य कह रहे हैं। अहिंसक बदल चुका है। हम सब गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देंगे। बुद्ध का वो भिक्षु सदा के लिए तेरा हो जाए। दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है ना, और लीजिए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। प्रकृति को बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी उसका मन तो पूरा दिन आपके पास ही होता है। सरीपुत, आज भोजन के लिए आनंद प्रकृति के घर गया था, अभी तक लौटा नहीं। नहीं आया? मैं स्वयं जाके देखता हूं। ये ले, अब तू इससे गंधर्व विवाह कर ले, फिर ये भिक्षु संसारी हो जाएगा।
और जल्दी कर, मेरे वशीकरण के दानों का प्रभाव रहते तू ये विवाह कर ले। क्या सोच रही है तू? माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हमारे में गंधर्व विवाह स्त्री की इच्छा से होता है। क्या तू ये विवाह नहीं करना चाहती? मैं तो आनंद के प्रेम में वशीभूत हूं और मेरे जीवन में इनके सिवा और कोई नहीं। मन तो दे ही दिया है, अब मेरे तन पर भी केवल आपका अधिकार है। मैंने मन से आपको अपना वर मान लिया है, अब हम गंधर्व विवाह कर सदा के लिए एक हो जाएंगे। क्षण भंगुर सुख हमारी संपदा को लूट लेता है, ऐसी संपदा जिसका नाम परम शांति है। एक बार ऐसे सुख का लालच मात्र भी हमारे मन में आया तो ये जड़ पकड़ लेता है। फिर हम दुख और सुख की नदी में तिनके की तरह बहने लगते हैं। यदि ऐसे क्षण आए तो क्या करना चाहिए बुद्ध? ऐसे समय में केवल अपनी सांसों पे ध्यान धरो, धीरे धीरे अपनी सांस अंदर लो, शांति से भर जाओ और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ो परम शांति से। आनंद के निश्चल मन का लाभ उठा, इन दोनों मां बेटियों ने उनके साथ छल किया। प्रकृति, तुम आनंद से बहुत प्रेम करती हो ना? अपने प्राणों से भी अधिक। ऐसी क्या विशेषता है आनंद की जिसने तुम्हें इतना मोहित किया? सब कुछ, उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके होठ, उनकी चाल, उनकी वाणी, सब कुछ। मैं उन्हें हर रूप में प्रेम करती हूँ। आनंद में रूप और गुण तो हैं ही, किसी को भी रिझा सकते हैं। क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? जानती हो आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? मुझसे तो नहीं। यही तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वो नहीं जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है। वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सकें। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम तुम्हें जलाता है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी, उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी।
बिना प्रेम स्वार्थी था। आनंद को अपने आप से बांधना चाहता था। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, आनंद के मेह की तरह सब पे बरसे? बुद्ध की शरण का आंचल इतना बड़ा है जिसमें मुझ जैसे गिरे लोग भी समा सकते हैं। मुझे क्षमा करें, अब से मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चलूंगी। मेरे प्राणों से प्रिय वल्लभ, देखो आम्रपाली, तुम्हारा वल्लभ आया। वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। क्यों छल रहे हो मुझे? तुम वल्लभ नहीं मगर नरेश अजात शत्रु, मेरी वैशाली के घातक शत्रु। पहचान तो मैंने भी तुम्हें तभी लिया था कि तुम देवी आमरा नहीं पाली हो, मेरी सबसे बड़ी शत्रु। किंतु भाग्य का खेल तो देखो, मेरी बलि को आतुर हाथ हम मेरे रक्षक बन गए। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मेरे मस्तिष्क से मुक्त कर मेरे हृदय का स्वामी बना दिया है। मैंने तुम्हें अपना हृदय दिया पर पहचानने में देर कर, ये कैसे धर्म संकट में ला छोड़ा है मुझे? मेरे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, फिर भी मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं महान योद्धा मगध नरेश अजात शत्रु तुमसे अपने प्रेम की भीख मांग रहा हूं। कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम। महाराज, महाराज श्री विजय वैशाली की सैनिका को ढूंढते हुए आ गए। तुम जाओ यहां से, जाओ तुम यहां से। जाए महाराज, शीघ्र करें। कह दो कि तुम्हें मुझे प्रेम नहीं। जाओ यहां से तुम, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। आप इस प्रकार देवी आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे गुप्तचरों ने अजात शत्रु को यहां आते हुए देखा है। महल की छानबीन के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आम्रपाली वैशाली की नगरवती, अगर मेरी आज्ञा के बिना आप मेरे कक्ष में आए तो सोच लीजिए, यदि अजात शत्रु आपको यहाँ ना मिला तो आप जो दंड भोगेंगे। इस समय हम आपके बात को मान लेते हैं, पर अजात शत्रु यहीं कहीं छुपा है। हाँ ब्रा, मैं जानता था तुम उससे प्रेम करती। मैं अपनी वैशाली से भी प्रेम करती हूं। जो मगध तुम्हें देगा वैशाली कभी नहीं दे सकती। मगध की महारानी से बढ़कर वैशाली की नगर वधु नहीं। चलो मेरे साथ। मगध के लोग मुझे महारानी बुलाएंगे और वैशाली के देशद्रोही। जिसने भी तुम्हें देशद्रोही बुलाया वो जीवित नहीं बचेगा। समस्त वैशाली को आग लगा दूंगा मैं। आम्रपाली, चलो मेरे साथ।
इससे पहले कि वैशाली के सैनिक मेरे अश्व को खोज लें, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ इस समय नहीं चल सकती, मुझे समय चाहिए। मैं मगध में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु ज्ञात रहे कि जब मुझे तुमसे घृणा थी तब मैंने वैशाली पर आक्रमण किया। कहीं अब ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम मुझे वैशाली पर फिर आक्रमण करने को विवश न कर दे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लें, कह लें, जब तक वो आपके अपने कृत्य ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं।